देख रहे हैं ARTV चैनल। My name is Pavitra. This year I've secured All India rank 608 in the UPSC Civil Services exam. आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आई हैव कम हियर और इतनी सारी एस्पिरेंट से बात हुई है. हम सब ने हमारी स्ट्रैटेजीज शेयर किए हैं एस्पिरेंट्स के साथ. आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम बिकॉज हमारी जर्नी से दे कैन पिक अप सम फ्यू पॉइंट्स एंड इनकॉर्पोरेट इट इन देयर ओन स्ट्रैटेजी. सो आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम. Also, this event was very special because we had Ajay Mishra sir and AK Khan sir giving us and very esteemed guest who had given us guidance on what the service could be like. And मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है और एक जर्नी के लिए where we have to be very responsible. So I think this is a good start and thank you so much to the La Excellence team for organizing this event. Any message for youngsters, ma'am? सर यही है कि दिस एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस. कि गिव अप नहीं करना है इस एग्ज़ाम में. दो साल तीन साल अगर कभी भी लगे कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, नेवर गेट डिसहार्टेंड. फोकस्ड अप्रोच के साथ प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे इस एग्ज़ाम को. All India Rank 28 in recently announced UPSC examination. It's a very nice function that was organized today, felicitating us. We feel more responsible now because of being felicitated by such senior officers. It's a very happy moment to me, and I want to thank Law Excellence for organizing this. Namaskar ji. मेरा नाम किरणमयी है. मुझे UPSC सिविल सर्विसेज 2021 अटेम्प्ट में 56th रैंक मिला है. 56 रैंक मिला है. मुझे बहुत खुशी है इस रैंक के मिलने से. ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था. पहली अटेम्प्ट में मुझे 573 रैंक मिला था. तब मुझे IRTS सर्विस मिला था. और दूसरी अटेम्प्ट में मुझे दैनिक सर्विस मिला था. दैनिक सर्विस में यूनियन टेरिटरीज़ जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में हमें डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर बिठाया जाता है. तो उसी में मेरी अभी ट्रेनिंग जारी है. ट्रेनिंग के दौरान मैंने प्रिपरेशन अभी फोर्थ अटेम्प्ट का किया था. थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ था. फोर्थ अटेम्प्ट में अभी मुझे ये रैंक हासिल हुआ है. मैंने ला एक्सेलेंस से कोचिंग लिया है और उसके बाद भी बहुत सारे सोर्सेस यूज़ किए थे फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करके मैंने प्रिपरेशन की थी. मेरी शादी होके 8 साल हुए हैं और मेरी 7 साल की बेटी भी है. तो इसके दौरान मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपके लाइफ में ऑब्स्टकल्स हो, कभी भी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है. आपको जितना भी ऊपर सोच आपकी होगी, उतना ऊपर आप अचीव कर सकते हो. बस. और मैं 16-17 में ला एक्सलेंस से कोचिंग ली थी. मेरे हस्बैंड के दोस्त ने सजेस्ट किया था. सर ने यही बताया था कि हर एक टॉपिक के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं एंड ला एक्सलेंस हैज़ लिव्ड टू इट. हर एक टॉपिक के लिए एक डिफरेंट सर को ले आते थे.
वो उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एक्सपर्ट होते थे, तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला था। अभी इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि आप एम बहुत हाई करो, स्काई शुड बी अवर लिमिट, वी आर लिमिटेड बाय आवर थॉट्स। मतलब हमारी सोच ही हमारी लिमिटेशन होती है, जितना ऊंचा अपना सोच होता है उतना ऊंचा हम अचीव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप को अच्छा, मतलब अपने आप को अभी जिस पोजीशन में है उससे बेटरमेंट करने की कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए जी। आगे आपको और क्या बनना है? अभी मुझे इस रैंक के वजह से मुझे IAS मिलने वाला है, तो मेरा फोकस मेनली, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS और MS किया है, तो मेरा फोकस मेनली हेल्थ पर रहेगा। इसके साथ साथ बोथ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एडुकेटेड है, उसी के वजह से मुझे इतना अच्छा एडुकेशन मिल पाया है, तो मैं एडुकेशन, बच्चों के एडुकेशन पर भी फोकस करना चाहती हूँ। नहीं, मैं पिछले 2-3 सालों से सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बाद उसी सर्विस में हूँ, तो प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉल्स आते रहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स की, तो मैं दूसरे डॉक्टर्स को कनेक्ट करके उनको मदद करने की कोशिश करती हूँ। आप देख रहे हैं AR